बात करें। मैं आपसे बहुत आग्रह से कहूंगा, पीछे हो जाओ, मकान बहुत मजबूत नहीं है, तो छज्जे में बैठे पीछे हो जाओ, कोई से सब खराब हो जाएगा, अगर चोट लगी तो आप लोगों पीछे हो जाओ। ये तुमसे क्यों आए आप लोग यहाँ? न्याय कहाँ यहाँ रखा है गया? न्याय यहाँ रखा है गया? अगर आप जाते तो ये दिन थोड़ा देखने पड़ते। कौन कहता है हम सहयोग नहीं करते हैं? हम तो उसका सहयोग भी नहीं, उसका सहयोग भी करते हैं जो लड़ाई लड़ता भी नहीं है, हम उसका भी सहयोग करते हैं। आप तो लड़ना चाहते हैं। ये गौरव, ये 12 साल के इन्होंने अपने पिता खो दिए और इनके पिता की जान प्राकृतिक मौत से नहीं हुई है, बुखार आने से, एक्सीडेंट होने से या किसी और बीमारी से। इस जान के लिए बहुत सारे लोग दोषी हैं, जिनमें आप भी हैं। आपकी चुप्पी, आपकी लापरवाही और आपकी गैर जिम्मेदारी अपराधों को बढ़ावा दे रही है। लड़ाई आपकी है, कोई और क्यों लड़ेगा? आप 13वीं में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हो, आप शादियों में इतनी बड़ी संख्या में, क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा मुकदमा लग जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा जेल चले जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश उठा के देखोगे तो रोज कहीं ना कहीं 10-20 लोग मर ही तो रहे जिलों में। आप इतने लोगों के मरने के बाद भी जागना चाहते, मैं क्या करूं? आज मैं आ गया हूं तो आपको लगा कि चलो भाई आ गए तो भाई के साथ चलते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अगली बार किसकी हत्या का इंतजार कर रहे हैं? अपनी? अगर ऐसा माहौल नहीं बनेगा न्यायप्रिय कानून व्यवस्था वाला, तो फिर किसी की हत्या होगी ना? मैं गौरव को ये वचन देने के लिए आया हूँ कि उसके परिवार को अब कोई आंच नहीं आएगी। क्या मैं आपकी जिम्मेदारी पे ये वचन उसको दे दूँ? हाथ उठा के बताओ। गौरव, ये सब लोग तुम्हारी मदद करने आए, तुम इनका धन्यवाद करो। हाथ जोड़ के धन्यवाद करो। मैं प्रशासन के लोगों से भी बात करूंगा, मैं एसडीएम साहब को, सीओ साहब कहूंगा कि अंदर आ जाए, मैं उनसे यही बात करूंगा, बाहर भीड़ में नहीं। लेकिन मैं पुलिस के अधिकारियों से ये आग्रह करूंगा, मेरा आग्रह ये, मैं अभी आपको कुछ और क्या कहूंगा, मैं इतना ताकतवर कोई नहीं, इन्होंने मुझे ताकतवर बनाया नहीं, इनको गुलाम नेताओं में ज्यादा मजबूत नेता दिखाई देते हैं। तो मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा आज बिल्कुल जिम्मेदारी से, आप जानते हैं कि सरकारी फाइल बहुत दिनों तक भी खुलती रहती है, तो किसी भी दबाव में ऐसा कोई काम ना करें कि जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़े, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमेशा इतना कमजोर नहीं रहेगा। ये बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं हल्ला मचाने में भरोसा नहीं रखता, मैंने बहुत दिन हल्ला मचा लिया, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वक्त बदलेगा। आज जो लोग कमजोर हैं वो कल ताकतवर भी होंगे, ये वक्त का पहिया चलता रहता है, कभी कोई नीचे कभी कोई ऊपर। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और आप जिनको मैं कह रहा हूँ वो सुन रहे हैं, आप ये याद रखना, जिस दिन फाइल मेरे सामने आएगी फिर उस दिन आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा, ये बात आप याद रखना। ये धोखा देना है, मैं जिंदाबाद सुनने नहीं आया यहाँ, ये धोखा देना है, ये सरासर धोखा देना है, अपने नेता को भी, अपने भाई को भी, सबको धोखा देना है। मैंने उनसे वो बात रखी, लेकिन मैं आपसे भी ये बात रख रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, एक दिन के लिए किसी के साथी मत बनो, उसके साथ खड़े हो जाओ और बाकी लोगों के मरने की इंतजार मत करो, बिल्कुल मत करो मरने की इंतजार। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, किसी के मरने की इंतजार मत करो। मैं हाथ जोड़ के सबसे कहूंगा वो किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, और आज भी कभी भी ना ले, क्योंकि हम
संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के साथ चलेंगे और संविधान बहुत ताकतवर है। संविधान का डंडा इतना मजबूत है कि अधिकारी कर्मचारी हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति हो, सब पे चलेगा वो डंडा। लेकिन जिस दिन संविधान अच्छे हाथों में होगा तब। आज आप आए, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं भी तंग हो गया हूँ। रोज रेप, हत्या, मर्डर, लूटपाट, कई पेड़ पर लटका के मार दिया, मैं भी तंग हो गया हूँ इन सब चीजों से। ये किसी भी तरह की चीज से परे, मैं अपनी मांग भी रखूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ एक दिन में नहीं मानेगा कोई। अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी और अय्या में लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी कि सबको याद रहे। आप मदद करोगे इस लड़ाई में? मैं कल या परसों में सौरभ जी के जरिए, धीरेन्द्र जी के जरिए आपको तारीख बताऊंगा। हम लोग 1 लाख लोग औरैया जिला मुख्यालय में इकट्ठे होंगे। कितने लोग? एक में सवा हो जाएंगे, डेढ़ हो जाएंगे, लेकिन एक में 1 लाख से कम नहीं होगा, मेरा वचन है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे हम भूखे रहे, प्यासे रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? देखो मेरे चुनाव की तैयारियां चल रही है, मैं चाहता वहां भी रह लेता, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि मैं उस बहन को क्या जवाब दूंगा और तो गौरव को क्या जवाब दूंगा। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा प्रचार, आप प्रचार करना कल के बाद, लेकिन एक आदमी कम से कम 50 आदमी को लेकर आएगा उस जिला मुख्यालय पे। आओगे नहीं आओगे बताओ? क्या तो सरकार यहाँ के प्रशासन के जरिए हमारी बात माने, हम इंसान है। अब बताओ, इसके पिताजी नहीं रहे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो ले लेंगे, लेकिन जिन्होंने ये किया है, ठीक है, वो एक पहलू है कि वो घटना हो गई, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार टैक्स तो सबसे लेती है ना। जब वो करोड़ों रुपए पूंजीपतियों के माफ करती है, अधिकार बहुत सारे पैसे जो है धन्ना सेठों के माफ करती है, इस परिवार के लिए क्या मुआवजा तय किया उन्होंने, क्या अधिकारियों ने भेजा? अभी मैं सब पूछूंगा। नहीं, उनके हमारे टैक्स का पैसा हम तय करें कहाँ लगेगा, समझ रहे हो? आप चिंता मत करो, लेकिन आपको बस ये तय करना है कि हम जिस तारीख को मैं दूंगा उस तारीख को हमें आना है, और हमें इसलिए आना है कि दोबारा औरैया में किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। मैंने यही सीखा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना, पेट बकरी की तरह जीना कोई जीवन नहीं है। और ये भी सुन लो मुझसे, आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता, ये अपमान है। हम संविधान हाथ में लेते, हम किसी बहन बेटी का किसी का भी अपमान नहीं करते, किसी का चाहते भी नहीं है, भूल से भी हो जाएगा हम उसके लिए भी माफी चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें भेड़ बकरी समझेगा, ये भी तो देश में नहीं चलना चाहिए, 70 साल से ज्यादा हो गया ना, ना हम गुलाम है ना हम गुलामी की तरह जियेंगे। हमारे कत्ल करने वाले हर व्यक्ति के बात समझनी पड़ेगी कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं, और हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं अगर पुलिस मजबूरी बस, पुलिस जानबूझ के नहीं करेगी, मजबूरी बस अगर कोई ऐसा अपराध करती है, अपराध है अगर वो न्याय में देरी करती है या न्याय को बाधित करती है, तो फिर पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये भी आप याद रखें। मैंने कहा ना आपसे कि समय बदलेगा, तुम्हें नहीं लगता समय बदलेगा? क्या हमेशा चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही रहेगा कमजोर? बिल्कुल नहीं रहेगा, चंद्रशेखर उसकी कीमत चुका रहा है, गोली खाई नहीं खाई, नहीं मरा ना, 4 गोली से नहीं मरा ना। इसका मतलब कुदरत ने मुझे इसलिए चुना है कि आपकी ये लड़ाई अब आगे बढ़े, समझ रहे हैं? वरना तो लोग खांसी जुकाम से कोरोना मर गए ना, नहीं मरा ना आपका चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि अभी इस देश में स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई बाकी, अभी इस देश में आपको जो गैर बराबरी है उनका अंत करके बराबरी का जीवन मिलना बाकी। मैं चाहूंगा कि जब भी किसी के साथ अन्याय हो, आप इतनी सिर्फ 4 गुना संख्या में वहां जाओ, लेकिन न्यायप्रिय होके, सिर्फ हल्ला मचाने के लिए नहीं, उसको ये विश्वास दिलाने की अकेले नहीं, अपने आप दुश्मन ठंडे हो जाएंगे। और मैं किसी को दुश्मन भी नहीं मानता, मैं समझता हूँ ये एक सोच है, जिनको ये लगता है कि अगर इनको कुछ कहोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अब नहीं चलेगा ना, ये गुलाम भारत थोड़ा ही है, यहाँ सबके लिए दंड है, और ये कानून व्यवस्था में उस दंड का प्रावधान है, उस दंड के प्रावधान से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि जिसने हत्या की है उसके सभी साथियों को सजा मिलेगी, आप चिंता मत करो। चाहे इसकी जांच कराने के लिए सीबीआई जांच की मांग क्यों ना करना पड़े, और सीबीआई जांच के लिए हमें देश में बंद क्यों ना बुलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम दूसरी घटना का इंतजार नहीं करेंगे, इसी घटना को इतनी मजबूत करेंगे कि सरकार को पता लगे कि हम लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? चाहे हमें भारत बंद बुलाना पड़े, सीबीआई जांच की मांग करनी पड़े, न्यायिक जांच की मांग करनी पड़े, या कुछ भी, चाहे हमें यहाँ के सीओ जो है जो इसकी जांच कर रहे हैं
उनको बदलना पड़े। जो सीओ साहब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तुम्हारे 3 मंडल हैं, हमारे यहाँ तो 7 हुए। अच्छी बात है आपके यहाँ 7 मंडल हैं, मुझे दुख है, लेकिन आप क्या चाहते हैं यहाँ भी 7 मंडल हो? नहीं, बदले बदले नहीं, वो छुट्टी गए हैं, वो भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और उनको नौकरी करनी है ना उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर आजाद से उनकी मुलाकात होती रहेगी। मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों से बार बार समझा रहा हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ शांति से बैठे रहो। मैं एक बार इनसे पूछ लूँ इन्होंने कार्रवाई क्या की है, इन्होंने आगे जो इनका अधिकार बैठता है उसमें क्या किया। हल्ला मत मचाओ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा लगता है तुम सिर्फ मुझे देखने आए। बिल्कुल हल्ला मत मचाओ, ऐसे शांत होकर बैठो जैसे तुम्हारा अपना तुमने खोया हो। क्या ये तुम्हारा अपना नहीं है? तो जिनके घर में तकलीफ होती है वो हल्ला मचाते हैं क्या? और रोने चिल्लाने से कौन सुन रहा है तुम्हें? किसी को कोई फर्क पड़ता है कि तुम मर रहे जी रहे हो? फर्क पड़ता तो अपने आप आगे बढ़ के लोग कहते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन लोगों में न्याय चरित्र नहीं ना हैसियत है कि कोई कह दे किसी गरीब के साथ गलत हुआ। इसलिए बिल्कुल शांत होके बैठो, बिल्कुल शांत होके, जब तक मैं इनसे अधिकारियों से बात करके बाहर ना जाऊं, फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसी भी कीमत पे कोई हमें कितना भड़का ले, कितना ही कुछ कह ले, हमें किसी भी तरह से संविधान के रास्ते को नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो? वही सबसे मजबूत है, नहीं है? तो आप शांत से बैठ रहे, मैं अधिकारियों से बात कर लू, फिर मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए ऐसे माहौल में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोच रहा था कि आप डर गए हो, डरे तो नहीं हो? हिम्मत है या नहीं है? बाकी मैं नौजवानों से भी कहूंगा, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और वो जीते जी भी मरे के समान होता है जो अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ता। ये बात याद रखो, ना गुलाम थे, ना गुलाम है, और ना गुलाम बन के जिए। ठीक है, शांति से बैठे रहो। मैं गौरव को गौरव से कहूंगा कि वो अकेला ना समझे, ऐसे हाथ उठा के इसकी मदद करके दिखाओ कि तुम इसके साथ हो। मैं सरकार से ज्यादा आर्थिक मदद इनके लिए 2 दिन में करा सकता हूँ, आप जानते हो ना मेरी ताकत को, लेकिन जब वो टैक्स का पैसा हमारा है तो सरकार क्यों नहीं देगी? आप बताओ ना, हमारे टैक्स का पैसा है ना, वो हमारे खून में चलेगा, तो क्यों नहीं देगी सरकार? अलग में हाथ देके छीन के ले लेंगे, ये बात याद रखना आप। बिल्कुल आप सुन लो, हम जानते हैं ना अपने अधिकारों को। आप देखना परसों तारीख आने तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मिलते हैं। इनके इनकी रक्षा भी होगी, इनकी सुरक्षा भी होगी, इनके इनका जो हक अधिकार है वो भी मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे जब आप मेरी आवाज पे खड़े रहोगे। जब आप मेरी आवाज के साथ नहीं खड़े होंगे, इधर घूमते रहोगे टहलते, तो फिर एक के बाद एक का नंबर आएगा। मेरा तो पहले आ जाता लेकिन मैं बच गया ना, क्योंकि अभी मेरा समय नहीं आया। इसलिए शांति से बैठ रहा, तुम्हारे पैर नहीं होंगे, तुम मजदूर किसानों के बेटे हो, तुम्हारे पैर नहीं थकेंगे, और थक जाए तो जमीन पे हो जा, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, शांति से बैठे रहो। और तुमसे कह रहा हूं तुम नीचे उतर जाओ, गिर जाएगा छज्जा, सुन लिया करो एक बार की बात।